मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मसले पर अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी। अगले आदेश तक पेड़ों की कटाई पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हां की है। सुनवाई के बाद वकील संजय हेगड़े ने मीडिया को बताया है कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा है कि मेट्रो को जितने पेड़ काटने थे उतने काट दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया है कि अगर अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है तो उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी इस मामले में एक पार्टी के रूप में जुड़ने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख है? महाराष्ट्र की दो सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और शिवसेना साथ साथ हैं, लेकिन आरे के मुद्दे पर अलग अलग। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना आरे में बनने जा रहे मेट्रो शेड का विरोध करेगी, लेकिन इसी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेट्रो शेड वहीं बनेगा। आरे के जंगल कहां कहां हैं? मुंबई, अरब सागर के किनारे, वहां से थोड़ा दूर एक मोहल्ला है गोरेगांव। गोरेगांव फिल्म सिटी भी यही है और यहीं पर आरे मिल्क कॉलोनी भी है। आरे मिल्क कॉलोनी को देश के आजाद होने के थोड़े दिनों बाद ही बसाया गया था। सोचा गया था कि इस मिल्क कॉलोनी के बनने से डेयरी के काम को बढ़ावा मिलेगा। 4 मार्च 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुदाए और पौधारोपण करके आरे कॉलोनी की नींव रखी। कुल क्षेत्रफल 3,166 एकड़। स्थापना से लेकर अब तक आरे का विस्तार होता रहा है। संजय गांधी नेशनल पार्क से जुड़कर आरे कॉलोनी के हरेपन में रोजाना बढ़ोतरी होती रही और धीरे धीरे मुंबईकरों ने आरे कॉलोनी और उसके कुछ हिस्सों को कुछ नाम दे दिए, जैसे कि छोटा कश्मीर, मुंबई का फेफड़ा और आरे जंगल। मतलब इतना हरा भरा कि कॉलोनी जंगल में तब्दील हो गई और मुंबई को थोड़ा ऑक्सीजन और मिलने लगा। कई रास्ते इतने घने अंधेरे हो गए कि शाम 6 बजे के बाद उन रास्तों पर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। और ये छोटा कश्मीर इतना हरा भरा हो गया कि बॉलीवुड की लो जो बजट फिल्में होती हैं उनको यहाँ पे शूट किया जाने लगा। जो हिल स्टेशन में शूट होने थे सीन्स वो यहाँ शूट होने लगे। फिर जंगल पर संकट कहाँ से आ गया? वहां से आ गया जहां से मुंबई में मेट्रो आई। साल 2000 में मुंबई में मेट्रो बिछाने की बात होने लगी, परियोजना पर काम शुरू हुआ। 8 जून 2014 को मुंबई मेट्रो का पहला फेज जनता के लिए खोल दिया गया, वर्सोवा से घाटकोपर तक। इसी के साथ मुंबई मेट्रो को और बढ़ाने की प्लानिंग भी शुरू हो गई। साल 2015 राज्य सरकार ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के कोच की पार्किंग हो सके इसके लिए जगह चाहिए और सरकार और मेट्रो कंपनी को जगह दिखी आरे कॉलोनी में। आरे कॉलोनी के सबसे हरे भरे इलाके में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मांगी FSI 3 यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स बनाने की इजाजत। परियोजना की लागत थी 23,136 करोड़ रुपए। इस परियोजना के लिए इलाके के 2000 पेड़ काट जाने की बात कही गई थी और फिर आगे जो हुआ वो हमने आपको बताया। और भी इस मामले से जुड़ी जो भी खबर हमें आती है वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें वहां जरूर फॉलो करिए। एक बात और, अब आप देख सकते हैं दी लल्लनटॉप क्विज सौरभ द्विवेदी के साथ शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 11 बजे और रात 8 बजे तेज चैनल पर। थैंक यू।